की ब्राह्मण महासभा की मीटिंग हुई संपन्न। जी हाँ, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ललितपुर की एक मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय पंडित श्री कल्याण तिवारी जी के आकस्मिक निधन हो जाने पर शोक व्यक्त भी किया गया। सभी ने उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रभु से प्रार्थना की। मीटिंग में जिला अध्यक्ष अमित कांत ऋषि, टिंकू भैया, जिला प्रभारी भोला शंकर पस्तौर, जिला कोषाध्यक्ष रजित बैद, जिला सचिव शुभम मोनू वाजपेयी, जिला प्रवक्ता विकास तिवारी, नगर अध्यक्ष ललितपुर अमित कौशिक, नगर संगठन मंत्री महरौनी लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी, सक्रिय सदस्य कृष्ण शर्मा जी, श्याम दीक्षित, ऋषि शुक्ला, ललित चौबे, अखिलेश तिवारी, पंकज चतुर्वेदी, सौरभ पाठक, अरविंद पाठक, राजीव चतुर्वेदी, दीपक देवलिया, अभय पस्तौर, आशीष शर्मा, मोहित मालवीय आदि लोग मौजूद रहे। इसी क्रम में शोक सभा से पहले जिला प्रभारी श्री भोला शंकर जी की संस्तुति से जिला अध्यक्ष अमित कांत दीक्षित ने पंडित शुभम मोनू वाजपेयी को, जिला सचिव पंडित राजीव चतुर्वेदी जी को, जिला उपाध्यक्ष पंडित अरविंद पाठक जी को नगर उपाध्यक्ष ललितपुर, पंडित दीपक देवलिया जी को नगर महामंत्री ललितपुर, श्याम विहारी दीक्षित को नगर प्रचार मंत्री नियुक्त किया गया और सक्रियता से कार्य करने के लिए बाध्य भी किया गया। देखिए ललितपुर से प्रदीप चतुर्वेदी की जय। मैं एक यहाँ पे एक मीटिंग रखी और हमारे सम्मानीय तिवारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके आकस्मिक निधन पर एक शोक सभा की गई और शोक सभा के पहले यहाँ पे कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई जिन्हें जिले और नगर स्तर पर पदभार दिया गया और उनसे कहा गया कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा था ललितपुर जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय श्री प्रदेश के रत्न माननीय रायनाथ जी त्रिपाठी जी हैं, उनके निर्देशानुसार हमने यहाँ पर पदाधिकारियों का गठन किया, नियुक्ति की और उनसे ये आग्रह किया पदाधिकारियों से कि भविष्य में जब तक आप हमारे महासभा से जुड़े रहें, ब्राह्मण समाज से जुड़े रहें, ना कि ब्राह्मण समाज के लोगों का, अन्य समाज के लोगों का भी हित करना है। हमारी महासभा का यही उद्देश्य है कि सर्वे बंधु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवे। हमारा कार्य यह है कि समाज में हम किसी के लिए, अन्य समाज के लिए अगर कोई नियम कानून नहीं बना सकते हैं, लेकिन मैं अपने समाज के लिए नियम कानून बना सकता हूं, उनको जोड़ सकता हूं, उनको एक साथ रख सकता हूं, तो उनके माध्यम से मैं सभी का हित चाहता हूं और सभी के साथ रहना चाहता हूं और जहां भी हमारे सदस्य को, महासभा के सदस्य को कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, तो उसके लिए तन मन धन से हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय ललितपुर के जिलाध्यक्ष श्री अमित कांत दीक्षित, टिंकू भैया एडवोकेट जिनको आप अभी सुन रहे थे, इनका सहायता धन्यवाद। मैं जिला प्रभारी भोला शंकर पस्तौर, आज हमारे यहाँ परशुराम मंदिर पर एक भव्य मीटिंग हुई ब्राह्मण समाज की। यहाँ ब्राह्मण इस ब्राह्मण समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हमारे यहाँ बैठ करके बात विमर्श हुआ और उस पर निराकरण करने के लिए उपाय किए गए। यहाँ पर हमारे समाज के किसी भी पदाधिकारी सदस्य के लिए कोई परेशानी होगी तो हम सब लोग एकजुट होकर के उसका संघर्ष के साथ उसका निराकरण करेंगे। हम जहाँ भी रहेंगे सब सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन् दुःख मा भवेत्। ब्राह्मणों की सोच है कि सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, सभी निरोग हो, सभी कल्याणकारी हो, सभी का विकास हो। इन्हीं शब्दों से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, जहाँ भी आप रहो स्वाभिमान से रहो, संस्कार से अपने संस्कार को प्रबल बनाओ, क्योंकि अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम ब्राह्मण समाज के कुल में पैदा हुए हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है कि यह ब्राह्मण इस पृथ्वी का देवता माना गया है। अगर माना गया है तो ब्राह्मणों को अपने संस्कार से युक्त रहना चाहिए।
राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके लिए वो बहुत ही कर्मठ योग्य और विद्वान है। वो लगातार गरीबों के हितों के कार्य करते रहते हैं। हमें उनके आदेश के अनुसार हम सभी का विकास चाहते हैं और सबका कल्याण चाहते हैं। हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, मुझे देश महान चाहिए, ब्राह्मण समाज को ब्राह्मण समाज है, विकास चाहिए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा लाभ के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय श्री पंडित श्री कल्याण जी तिवारी उनके आकस्मिक निधन पर यहाँ पर मौजूद महासभा ललितपुर के पदाधिकारी सदस्य एक उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।